आज मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसे आप सेकंडों में गुना कर सकते हैं। कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करना और कमेंट में बताना कैसा वीडियो लगा, और सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये है 95 × 96, अब ये 100 से कम है, तो 100 से कितना कम है, तो 95 हो गया और ये कितना है, 4। अब इसमें क्या करना है, हमको इससे इसे घटा देना है, इससे इसे घटा देना है, और घटा देना है, और 95 में से अगर 4 गया तो कितना बचेगा, 91, और 96 में से 5 गया तो फिर भी 91 बचेगा। और इसके बाद क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 5 × 20, तो ये हो गया आपका फर्स्ट सेकेंड। आपको बताने जा रहा हूँ 93 × 97, 100 से कितना कम है, 7, ये कितना कम है, 3। अब क्या करना है, फिर वही काम कर देना, फिर घटा देना। उसके बाद 93 में से कितने गया तो कितना, 90 बचेगा, और 97 में से गया तो फिर भी 90 बचेगा। और फिर क्या करना है, वही कर देना, फिर मल्टीप्लाई कर देना, 70 × 21, ये हो गया। अब आपको दूसरा ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अब 100 से अधिक, जैसे 102 × 104, इसमें जस्ट अपोजिट करना है। क्या करना बता रहा हूँ आपको, जैसे कितना अधिक है तो +2, 2 अधिक है, इसमें कितना अधिक है, +4, तो फिर इसमें इसमें क्या कर देना है, इसमें घटाना था, इसमें ऐड कर देना। अब जैसे 102 है तो 102 में 4 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 104 में दो करेंगे तो 6 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 106 हो गया, और 4 × 2 = 8, ये हो गया। और सेकेंड इसका ही बता दे रहा हूँ फिर हम आपको, जैसे हो गया 103 × 106, 6। अब आप ले लो इसको, ये कितना, 3 अधिक है, ये कितना अधिक है, 6, और इसको जरूरत 9 आएगा, और इसको भी जरूरत तो 9 आएगा, 109 × 18, ये हो गया। आप करके देख लो, इतना ही आएगा, ठीक है। अब आपको ट्रिक नंबर 3 बताने जा रहा हूँ मैं। आपको देखो, अब जैसे ये हो गया 122 × 95, तो इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें क्या कर देंगे, +2, फिर उसमें क्या बताए थे कितना कम है, तो -5, इसमें इसको ऐसे ऐड कर देंगे, फिर इसको 95 है और इस दो जोड़ देंगे तो 97, और 00 डाल देंगे, और ये कितना है, 5, 5 × 2 = 10, तो 10 करके इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 96 और 90, ये हो गया। और इसमें एक और बता दे रहा हूँ आपको, यहीं पे एक और बता दे रहा हूँ, जैसे हो गया आपको, जैसे आपको बता दे रहा हूँ, जैसे 101 है, 101 और 96, इसमें कितना है अधिक है, +1, इसमें कितना है, -4, फिर वही करना है, तो 96 है तो 97 × 00, और इसमें कितना घटा देना, -4, तो 96 और 96, ये हो गया। इस वीडियो को आप शेयर करो, कमेंट बताओ कैसा लगा वीडियो, ठीक है, और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।